टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट की एक सेना उतार दी है। मस्क का दावा है कि ये रोबोट रोजमर्रा के काम को बखूबी पूरा करेगा, फिर चाहे किराने का सामान लाना हो या फिर घर का काम करना, बगीचे की घास साफ करनी हो या फिर कुत्तों को टहलाना ही क्यों ना हो, ये हर काम को बहुत ही सफाई के साथ करता है। एक ऑप्टिमस रोबोट की कीमत $20,000 से $30,000 के करीब है। तो टेस्ला ने ये ऑप्टिमस रोबोट आर्मी लॉन्च की है। जो रोबोट है वो रोजमर्रा के काम बखूबी पूरा करेगा, चाहे वो ग्रोसरी सामान लाना हो, घर का काम करना हो, बगीचे की साफ सफाई हो या फिर कुत्तों को टहलाना हो। एलॉन मस्क ने लॉस एंजलिस में वी रोबोट कार्यक्रम में टेस्ला की रोबोटैक्सी को लॉन्च किया। रोबोटैक्सी एक पर्पस बिल्ट ऑटोनॉमस व्हीकल है जिसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल नहीं है। इसका मतलब है प्रोडक्शन में जाने से पहले से सरकारी नियामकों से मंजूरी लेनी होगी। इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है जिसमें बटरफ्लाई के पंखों की तरह ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे और एक छोटा कैबिन दिया गया है। राजधानी दिल्ली में एक गला घोटू गैंग घूम रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में रात के वक्त इस गैंग ने एक लड़के के साथ लूटपाट कर ली, बाद में उसने पुलिस से शिकायत की है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ लिया। वो रात में आते हैं, गला दबाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों गलाघोटू गैंग घूम रहा है जो सड़क पर चल रहे लोगों को शिकार बनाता है। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाए वो अपना कीमती सामान लुटा चुका होता है। वो रात के अंधेरे में अकेले जा रहे शख्स को टारगेट बनाते हैं। दिल्ली के पालम इलाके से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके की यह घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के वक्त आसपास की सभी दुकानें बंद हैं, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक लड़का बैग टांगे हुए सड़क से गुजरता है, तभी उसके पीछे 5 बदमाश लग जाते हैं। वो लड़का इस बात से बेखबर रहता है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तभी उन 5 लड़कों में से एक बेहद उसके करीब पहुंचता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या गया। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया और सड़क के किनारे गिरा दिया। 10 सेकंड का ये वीडियो आया है। इसके बाद बदमाश उसका कीमती सामान लूट कर चले गए। इस वारदात ने दिखा दिया कि पालम में इलाके में रात के वक्त गुजरना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गलाघोटू गैंग लोगों को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। लूट की यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद वो युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 400 रुपए थे जिन्हें बदमाश छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई, घटनास्थल पर पहुंची और वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई। पालम के महावीर एंक्लेव की यह घटना है। गली नंबर 7 में युवक के साथ लूटपाट हुई। पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।